नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। खबर भागलपुर से है, जहां पर आगामी 13 मई को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लोक अदालत की क्या जरूरत पड़ेगी, तो बताते चले कि लोक अदालत के माध्यम से उन मामलों को निपटाया जाता है जिसके लिए किसी भी व्यक्ति के पास पैसे ना हो, या फिर जो निःशुल्क केसेज होते हैं वो लोक अदालत में निपटाए जाते हैं। यानी कि अगर लोक अदालत ने किसी मामले में फैसला दे दिया तो इसके लिए आप फिर से अपील तक नहीं दायर कर सकते। इस तरह से लोक अदालत का आयोजन भागलपुर में होने जा रहा है, जिसको लेकर चलिए एक बार खबर को विस्तार से देख लेते हैं कि क्या कुछ इसके लिए तैयारियां की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर भागलपुर में किया जाएगा। इसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर की सचिव ज्योति कुमारी ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर ली है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अनुमंडल, राजस्व, सिविल, पारिवारिक विभाग, भरण पोषण और विद्युत, पानी, एक्सीडेंटल क्लेम और साथ ही श्रम संबंधी बैंक, साथ ही शेतकारी ट्रैफिक के चलान के मामले की सुनवाई, इस तरह की तमाम सुनवाइयां होती है, इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। कुल 26 बेंच में 18 भागलपुर, साथ ही नवगछिया और 2 कहलगांव में बेंच बनाए जा रहे हैं, जिससे कि केस के निष्पादन में आसानी हो सके। वही जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर की सचिव ज्योति कुमारी ने बताया है कि पिछले बार से ज्यादा केस इस बार निष्पादित किए जाएंगे। तो इस पूरे मसले पर जब ज्योति कुमारी से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनिए। लोक अदालत है, इसमें हम लोगों ने 26 बेंच बनाया है। इस बार भागलपुर में 18, नवगछिया में 6 और कहलगांव में 2 बेंच। इसके लिए हम लोगों ने लगभग 28,000 नोटिस किया है। उम्मीद है कि पिछले बार से ज़्यादा इस बार डिस्पोजल होगा। पिछले बार 2716 था, उम्मीद है कि इस बार 2800 के लगभग हो डिस्पोजल। और इसके अलावा हम लोगों ने प्रचार के लिए जागरूकता रथ भी रवाना किया है, जो हर नवगछिया, भागलपुर और कहलगांव में जा जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सके और लोक अदालत के यहाँ आएँ और अपने वादों का निपटारा करा सकें। कितने मामले का निष्पादन किन किन? इसमें बिजली के मामले केस में जो क्रिमिनल और कंपाउंडेबल केसेज पड़े हुए हैं उनके मामले, उसके अलावा पानी वाले, एमएससीटी के केसेज, बैंक मामले, सब उसमें निष्पादन। तो जैसा कि आपने सुना कि सचिव ज्योति कुमारी ने बता दिया है कि भागलपुर में किन तरह के मामलों का निपटारा किया जाएगा, यानी कि ये जो निपटारा होगा लोक अदालत के माध्यम से होगा और निःशुल्क होगा, इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। लोक अदालत लगाकर उन व्यक्तियों के परेशानी को, वादों को देखा जाएगा जो कि अब तक लड़ने में या फिर अपने मामले को निपटाने में अक्षम है। उन मामलों को देखकर उस तमाम मामलों पर जो है सुनवाई की जाएगी और उसका फैसला दिया जाएगा, जिसके लिए तमाम तरह की तैयारियां जो है भागलपुर के कई क्षेत्रों में, प्रखंडों में हो गया है। फिलहाल इस वक्त के खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।